यमुनानगर की एंटी नारकोटिक सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अपने साथ नशे की खेप लेकर शहर में आ रहा है। एंटी नारकोटिक सेल ने जब युवक को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 20,500 के करीब नशे के कैप्सूल बरामद हुए, जबकि 500 नशे के इंजेक्शन भी इसके पास से बरामद हुए हैं। आरोपी 40 दिन पहले जेल से बाहर आया था, हालांकि वह किसी और मामले में जेल गया था, लेकिन इस आरोपी पर आधा दर्जन के करीब नशे का कारोबार करने के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और आज पुलिस इसको कोर्ट में पेश कर इसका पुलिस रिमांड लेगी, जिसके बाद ये भी खुलासा होगा कि आरोपी कहां से ये कैप्सूल ला रहा था और कहां इसने सप्लाई देनी थी। कल एक आरोपी को ANC स्टाफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मनप्रीत सिंह उर्फ लक्की, ये करतारपुर कॉलोनी थाना शहर यमुनानगर का रहने वाला है। इसके पास से 20,400 ट्रामाडोल कैप्सूल और 500 जो इंजेक्शंस हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में अभी मुकदमा दर्ज करके आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जिन लोगों से ये लेकर के आया है उसके संबंध में भी हमारी टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, इसके खिलाफ पहले भी करीब 4 मामले तो लगभग हम शोर हैं जो दर्ज हैं, 5वां ये है। बाकी इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम लेकर के और डिटेल हासिल करेंगे, टोटल मुकदमे इसके खिलाफ कितने हैं। अभी जो इसने बताया है, किसी एजेंसी का नाम बताया है और 2 लड़कों का नाम बताया है जिनके पास से लेकर के आया है, तो अभी उनकी अरेस्ट पेंडिंग है। जैसे क्लियर हो जाएगी पोजीशन तो हम उसके बाद बता पाएंगे कौन कहाँ के रहने वाले हैं। अभी उनके कुछ नाम हैं, इसके एड्रेस के बारे में इसको पता है, तो कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लेंगे। यूपी से ही ये लेकर के आया है और अभी भी ये पिछले 11 तारीख को अक्टूबर में कोर्ट से जमानत पर आया था। किसी दूसरे मामले में, मुलाना थाना के मामले में, नशीले दवाओं के मामले में ही पकड़ा गया था। अभी जमानत करवा करके ये बाहर आया है और आते ही इसने दोबारा से काम शुरू किया। गौरतलब है कि यमुनानगर के नारकोटिक सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 20,400 के करीब नशीले कैप्सूल और 500 के करीब नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी हाल ही में जेल से बाहर आया था और इससे पहले भी इसके ऊपर कई नशे का कारोबार करने के मामले दर्ज हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।